could not bring the share of goodwill in cash. Is cash the premium for goodwill quantity in any money? On the date of admission, firm fee would be paid. If firm fee would be paid, we see the share of goodwill. We see the share of goodwill. We see the share of goodwill. We see the आपसे पूछा गया फर्म्स रुपए को 72,000 कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी में भी क्रेडिटेड क्या एंट्री होती है जब सी अपने से ही निकल रही है क्या सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए स्टेटमेंट टू बी स्टेटमेंट इन विच रेशियो समय के विच रेशियो रिसेंटली वी में पास विद विच रेशियो इतना मेरे को बताइए आप इन दोनों में कितना आ रहा है कौन सी रेशियो आप भी वेरी गुड वेरी गुड आई एम रियल हां This is premium for goodwill की entry skip करेगा नहीं है क्या तो sacrifices को नहीं है This entry is to be passed with the sacrificing ratio and that we need to calculate सारा calculation based था निकालो ये sacrifice old minus 5/12 is sacrifice old minus new 60 LCM 36 minus 25 9 Workmen compensation reserve in comparison to the claim, then distribution of accumulated profits and losses, distribution of general reserve, isn't it? ये direct वाले बन रहे हैं ना? अच्छा withdrawal of आपने वैसे क्या बोला withdrawal of? हाँ, उसके लिए old ratio. तो उसको withdrawal नहीं बोलते, that is writing of existing goodwill between the old partners and their old ratio. ठीक है जी. चलो इसने जो point लिखे हैं वो सुनो. When the new partner brings only a part of his goodwill, share of goodwill of, when a new partner brings only a part of his share of goodwill, क्या ये old ratio में divide करेंगे? Second उसने बोला, when new partner is not able to bring his share of goodwill, when the new partner अभी करवाया, when the new partner is not able to bring his share of goodwill, sacrificing लगनी है, जब वो लेके आता है तब भी sacrificing लगनी है. When new partner brings his share of goodwill in cash, तब भी sacrificing लगनी है. एक ही option रहेगी. When goodwill already exists. So this was the point. When goodwill already exists in the balance sheet at the time of admission, this is to be written off between the old partners in their old ratio. अगला फिर करने वाला question है, solve करेंगे. Third, A is to be
3:2, दो पार्टनर्स इकट्ठे एडमिट हुए भाई, इन नॉट इन द हॉस्पिटल, इन पार्टनरशिप फॉर्म, दे एडमिटेड इन पार्टनरशिप फॉर्म, सी एंड डी. ए सैक्रिफाइस्ड, ए ने सैक्रिफाइस किया 1/4 ऑफ हिज शेयर. जब ऑफिस शेयर होता है तो उसके ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है. अपने शेयर का उसने 1/4 किसको दिया, सी को. बी ने सैक्रिफाइस किया 50% ऑफ हिज शेयर, उसने किसको दिया, शेयर लिखना साथ में, बी को. आपसे पूछा है चारों की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो. इन दोनों का अगर मेरे को सैक्रिफाइस पता चल जाए, वो इन दोनों का शेयर आ जाएगा, और इनका जब सैक्रिफाइस पता चल जाएगा ओल्ड रेशियो में से माइनस करूंगी तो न्यू आ जाएगी. चलिए जी अप्लाई करते हैं. 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड हिज शेयर वाज 3/5. कैंसिल करना, अवॉइड करना, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 3/20. इट मींस कि सी का 3/20 आना. इसका ये सैक्रिफाइस हो गया और सी का ये शेयर हो गया. आगे चलते हैं. 50% ऑफ हिज शेयर 1/2 कर दो इनटू 2/5. कैंसिल, मैंने बोला अवॉइड करेंगे, 2/10 डन. इससे भी डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश करें, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे, तो ये बन जाएगा 4/20. अब इन दोनों की न्यू निकालें. इन दोनों की न्यू कैसे निकालेंगे, ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस करके. सो ए इज न्यू 3/5 माइनस 3/20, 20 एलसीएम स्टूडेंट्स, 4, 12 माइनस 3, दैट इज 9/20. डिनोमिनेटर सेम आ रहा है हमारा, रेशियो बन जानी आसानी से. बी इज न्यू 2/5 माइनस 4/20, मैंने कैंसिल नहीं किया, डिनोमिनेटर सेम बना के रखा हुआ है. दिस इज 8 माइनस 4, 4/20, राइट. सो आर न्यू रेशियो इज 9:4:3:4. आई हैव टू सर्च क्या एमसीक्यू में ये ऑप्शन दे रखी है. निकाल के किया था आपने, ये है जी ऑप्शन 9:4th ऑप्शन है, डी ऑप्शन 9:4:3:4, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. आगे चलते हैं, फिर कैलकुलेशन बेस्ड है. ये सॉल्व किया था याद है, कल ही तो दिया टेस्ट, हो जाता था ये सॉल्व. चलिए जी फोर्थ देखते हैं. फोर्थ, ए एंड बी, देयर कैपिटल इज 1.80 lakh and this is 2 lakh. Z has been admitted for 1/3 share. He brings 3,40,000 as capital. Firm ki goodwill nikalo. Step batao ji. Aap batao. This is his capital. Kal karwa ke gayi thi hidden goodwill ka case first period mein. Firm ki goodwill nikalni hai. Ek minute. Haan kya karu? Aap bolo. Bilkul theek hai. Total capital of the firm aa jayegi. रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके 0, 40 है ना, 12, 1, 9 और 1, 10, 10,20,000 ये फर्म की कैपिटल आई, जिसमें से एडजस्टेड कैपिटल तीनों की ऐड करके माइनस कर दें तो हिडन गुडविल आ जाएगी ऑफ द फर्म. यही पूछा उसने, 3,80 में 3,40 ऐड किया, 7,20, तो 3,00,000 आंसर आना. अगर वो पूछे जेड का शेयर ऑफ गुडविल बताओ तो 1,00,000, ठीक है. फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 3,00,000. करवाया हुआ ये केस, हिडन गुडविल का केस है, इजी था. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 3,00,000 आंसर, ठीक है. फिफ्थ देखिए, विनोद एंड सुनीता वर पार्टनर्स, सी द फिफ्थ क्वेश्चन. विनोद एंड सुनीता आर टू पार्टनर्स, देयर रेशियो इज 5:3. दे एडमिटेड युवराज फॉर 1/5 शेयर. He brings his share of premium in cash out of 30. ये बोल दिया कि गुडविल वो कैश में लेके आ रहा है, गुडविल बताई नहीं. अब देखना, out of which 30% विनोद और सुनीता ने, B for विनोद, S for सुनीता ने विड्रॉ कर लिया, और उसने ये बताया है कि सुनीता ने जो विड्रॉ किया वो 450 है. वो कहता आप ये बताओ कि विनोद ने कितना विड्रॉ किया हो. Yes, who will tell? How this is to be calculated? This 4/50 is being withdrawn by Vinod and Sunita in their sacrificing ratio. कहीं पे question में sacrificing ratio की बात करी है? जब ऐसा question होता है sacrificing ratio old ratio के बराबर नहीं होती? होती है? बताओ, आप बताओ sacrifice कैसे निकालोगे ये question?
पहले पहले एंट्री आती, सीक्वेंस याद करते, कहता उसने वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेके आया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैकवर्ड चलते हैं, ये एंट्री हो चुकी है, मेरे को अमाउंट नहीं पता, ठीक है। फिर अगली एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल टू माय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर दैट इज विनोद एंड सुनीता, ठीक है। जितना जितना इनको मिला उसका 30% इन्होंने विड्रॉ कर लिया। मीन्स अगली एंट्री हुई विनोद डेबिट सुनीता डेबिट टू कैश, एम राइट, और सुनीता का बता रखा है 450। आपको नहीं लगता दिस 450 इज सुनीतास विद शेयर, सैक्रिफाइसिंग शेयर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिला होगा ना इसको। पहले आप टोटल अमाउंट निकालोगे और टोटल अमाउंट का 30% इसने विड्रॉ किया। अब कैसे करें इसको सॉल्व, हाउ वी विल डू इट बैकवर्ड, मतलब मेरे को ये वाली अमाउंट पता चल जाए, उसका 30% इतना है तो बाकी इसका मैं 30% निकाल लूंगी। हाउ वी विल सॉल्व इट, यस अप्लाई योर माइंड। 450 सुनीता का शेयर है, विनोद का शेयर कितना होगा? हैव यू सॉल्व इट इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर है, ये 30% के बराबर है ना, 450 इसका 100% निकालें, 100% ये 30 है, करो जरा सॉल्व, 1500, इट मींस कि यहां पे इसको 1500 मिला होगा, है ना, और ये 1500 कौन से रेशियो के बराबर होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर। इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 3/8, दिस 1500 इज बियॉन्ड 3/8, 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करूं 12000 बन जाएगा, 12 बनेगा ना, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4000, इट मींस की टोटल अमाउंट कितनी थी, 4, टोटल अमाउंट कौन सी प्रीमियम की, 4 में से 15 इसको मिला, इसको कितना मिला होगा, 25 का 30% इसने विड्रॉ किया, 25 का 30% इसने विड्रॉ किया, मेरे हिसाब से 750 आना चाहिए, और सीधा 4000 का 30% 1200, 750 प्लस 450 उसने खुद दे रखा था 1200। अब देखते हैं 750 ऑप्शन है कि नहीं, 750 है, बस डन, सिंपल मैथ्स लगाया मैंने, ठीक है, एक इक्वेशन सी बना के दैट कैलकुलेशन आई मेड। आपको ये तीन एंट्रीज लिख के नहीं बनती हैं ताकि आपके माइंड में सीन क्लियर हो, ठीक है। ये जो 450 है कितने के पीछे है, 30% के पीछे, पहले इसका 100% निकाल लो, 100% निकाल लिया, वो कितने शेयर के पीछे था, 3/8 के पीछे, तो उसका शेयर निकाल लो, एंड डिफरेंस आप दूसरे पार्टनर का भी शेयर निकाल लोगे जब आपको टोटल अमाउंट पता चल जाएगी। तो 750 इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस वॉज 5th, डन, करेक्ट है। अगला भी मैं करवा के गई थी उस दिन, कल ही करवाया रादर, प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इफ इट इज पेड प्राइवेटली। जब मेरा नया पार्टनर मेरे पुराने पार्टनर्स को, पंजाबी में कल मैंने वर्ड एक यूज किया था, अंदर खाते, ठीक है, अंडर द टेबल, जब वो अपने हिस्से की गुडविल मेरे पुराने पार्टनर्स को दे देता है तो हम उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करते। सो दिस इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इफ इट इज पेड प्राइवेटली। लेट्स डू 7th, बस यही रह गया, 8th तक तो हमने सुबह कर लिए। सी 7th रेशियो एनालिसिस का है, टोटल डेट्स क्या मतलब है इसका, लॉन्ग टर्म डेट्स, ओके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस करंट लायबिलिटी, ये सुबह भी डिस्कस किया, 15 लाख, टीपी 2 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 25,000, बैंक ओवरड्राफ्ट ओडी 2,50,000। आपसे पूछा है लॉन्ग टर्म डेट निकालो, निकालो फिर, टोटल डेट का फॉर्मूला बोलो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी। ये दे रखा है टोटल 15 लाख, ये मेरे को निकालना है, और इनका टोटल कर लो 2 + 2,50,000, 450 में 25,000 ऐड किया, 475 को बीच में से माइनस कर दो, 10,25,000 लॉन्ग टर्म डेट है, ठीक है जी। और 10,25,000 एक ऑप्शन थी, 10,25,000 वी हैव ऑप्शन in our question, and that is B option, right? So this was your revision test. Now we have to pick your first chapter of management. So open your books for business studies. Importance of management.
हेल्प्स टू अचीव द गोल्स, पहला भी यही लिखा, हेल्प्स टू अचीव ग्रुप गोल्स, हाउ मैनेजमेंट हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, बिकॉज मैनेजमेंट डू स्टार्ट विद प्लानिंग एंड अंडर प्लानिंग वी जस्ट सेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड दैट ऑब्जेक्टिव्स वी टेल टू ईच एंड एवरी वर्कर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड वी जस्ट आस्क देम टू वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर. In that way, the everybody whosoever is being appointed by us, whosoever is working in our organization, they will be contributing their effort for the achievement of goal. और कल भी बात करी थी, management अकेला बंदा नहीं चला सकता, group के साथ मिलके management चलती है, हर बंदे की contribution होती है. अगर management ना हो, पंजाबी में एक कहावत है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना या अपनी डफली अपना राग अलग अलग बचाना. मैनेजमेंट है तो वो सबके ऊपर कंट्रोल रख के बैठी है, हमारे हर एम्प्लॉय को पता है कि उसने क्या करना है ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए. एवरीबॉडी विल कंट्रीब्यूट, देन इट इंक्रीजेस, मतलब मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी? यस्टरडे टू वी डिस्कस्ड अबाउट इट, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, बोथ द टर्म्स वी डिस्कस्ड. हाँ, हाउ मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, पहले ये बताओ एफिशिएंसी है क्या भाई? व्हाट इज एफिशिएंसी अभिषेक? बिल्कुल ठीक है, टू अचीव द टारगेट एट द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट. और इकोनॉमिक्स की टर्म में अगर मैं बोलूं तो एफिशिएंसी का मतलब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, मींस वेस्टेज कम से कम हो और बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो. कैन यू इमेजिन कि एफिशिएंसी होगी अगर मैनेजमेंट ना हो? कैन यू इमेजिन इट? इफ देयर इज नो मैनेजमेंट, कैन द पर्सन विल बी बॉदरिंग अबाउट द वेस्टेज? विल द पर्सन विल बी वर्किंग एज पर द गाइडलाइंस गिवन और अलॉटेड टू देम? नो. Everybody will sit idle. कोई भी काम नहीं करना चाहेगा क्योंकि human psychology है, बेकार बैठ के सैलरी हर कोई लेना चाहता है. और human psychology ये भी है, जब तक सर पे डंडा नहीं होता कोई भी काम नहीं करता. So it is going to happen only with the help of management. Management helps to increase the efficiency of the persons working in an organization. Then third, management creates a dynamic organization. What is the meaning of dynamic organization? Which can adapt itself as per the demand of the situation. Management है तो आप कभी भी static नहीं रहोगे. You just adopt a flexible approach. फिर एक कहावत की बात करेंगे, खड़ा पानी तो वैसे ही smell मारनी शुरू कर देता है. ठीक है, अगर आप अपनी life में क्या रहे, static रहे, means throughout your life of your organization, you are not bringing any change in your policies. So you can't expect the long-term existence of your concern. So management है, जैसा हमारी सिचुएशन, जैसा हमारा एनवायरमेंट डिमांड कर रहा है, अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज करते हैं. फिर से एग्जाम्पल मेरे माइंड में वही आती है पैनेडेमिक की, जिसमें वर्क फ्रॉम होम एवरी कंपनी अडॉप्टेड इटसेल्फ. ठीक है, ये नहीं कहा कि घर से काम नहीं होगा या हमारे एम्प्लॉइज नहीं करेंगे, एवरीवन चेंज इट्स पॉलिसी. सो मैनेजमेंट है तो टॉप लेवल पे ये डिसीजन लिया गया और दे क्रिएटेड अ डायनामिक एनवायरमेंट एंड इट इज गोइंग टू पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट. मेरे एम्प्लॉइज डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं क्रिएट कर सकते जब तक मैनेजमेंट इसमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती. देन हेल्प्स इन, पहला मैंने करवाया हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. फर्स्ट और फोर्थ का डिफरेंस आप बताना जरा. हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स, क्या डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स में? गोल्स की बात फर्स्ट पॉइंट में भी करी, गोल्स की बात फोर्थ पॉइंट में भी करी, व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ, जो ग्रुप गोल्स हैं वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के हैं और जो पर्सनल गोल्स हैं वो मेरे हर एम्प्लॉय के हैं. तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस व्हेन द ग्रुप गोल्स आर बीइंग अचीव्ड, पर्सनल गोल्स ऑटोमेटिकली विल बी अचीव्ड. ग्रुप गोल में क्या है? प्रॉफिट को बढ़ाना. ग्रुप गोल में क्या है? ग्रोथ एंड सर्वाइवल. ग्रुप गोल में क्या है? सेल को बढ़ाना. जब सेल ऑटोमेटिकली बढ़ेगी तो हमारे पर्सनल गोल्स भी क्या होंगे? अचीव होंगे. पर्सनल गोल्स होते क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज इन द कंसर्न, देयर इंक्रीज सैलरी दे ऑलवेज डिमांड. They demand their promotion, they demand their bonus, they demand their increments. And once the organization is able to achieve the group goals, the personal goals will automatically achieve. And it is being possible with the help of management. क्योंकि management में हम लोग time to time उन्हें inspire करते रहते हैं, उन्हें direct करते रहते हैं, उन्हें motivate करते रहते हैं. With the help of which they will be working in team spirit, or with team spirit, they will be working in cooperation and commitment. Who will be working with commitment? Who will be working with team spirit?
Who will be working with team spirit? Yes, employees. और employees के ही तो goals को personal goals कहते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं. Management helps in the development of society. How come? If XYZ company is producing the qualitative products which leads to increase the standard of living of the citizens of our country, so in that way it is contributing in the development of the society. ठीक है? Society की development कैसे होती है? जब वहां पे रहने वाले citizens का standard of living बढ़े, वहां पे रहने वाले citizens की national क्या बढ़े? Personal income बढ़े. जब हर बंदे की पर्सनल इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री की नेशनल इनकम भी बढ़ेगी. इन दैट वे आप सोसाइटी की डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. जो इसने लिखा है वो जरा देखो. इट हेल्प्स टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी दे रहे हैं तो भी आप सोसाइटी की डेवलपमेंट कर रहे हैं. अडॉप्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल, आप एडवांस टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं. लीड्स द पास टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आप अपनी डेवलपमेंट तो कर ही रहे हैं. जिस कंट्री में आपकी कंपनी है उस कंट्री की भी ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट में आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. इन दैट वे लाइक यू आर प्रोड्यूसिंग अ लॉट. हमारी कंट्री का जीडीपी में आपका क्या है? रोल है. जीडीपी यू नो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या प्रोडक्ट. सो वट एवर द गुड्स एंड सर्विसेज आर बींग प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री और विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, उन सबका सम टोटल कर दो तो जीडीपी बनता है. तो एज यू आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड यू आर प्रोड्यूसिंग द गुड क्वालिटी गुड्स, इवन आपका सामान बाहर वाले देशों को भी जाता है, इन दैट वे यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. ठीक है? सो दिस केस स्टडी ही कैन पुट एंड ही कैन आस्क यू विच ऑब्जेक्टिव इज लेड स्ट्रेस ओवर हियर. इस केस स्टडी में कौन से ऑब्जेक्टिव की बात करी है, कौन से पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस की बात करी है. अगला थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगी, दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट. तीन टॉपिक है इसके अंडर. Management as an art, management as a science, management as an art, this is N, management as a science, and management as a profession. तीनों लाइन का आपने एक एक लाइन में मेरे को मीनिंग बताना पहले, फिर मैंने टॉपिक स्टार्ट करना. Management as a profession. तीनों concepts के कुछ कुछ feature management में है. Means management को मैं art भी कह सकती हूं, मैं science भी कह सकती हूं और management एक profession भी है. How will you define the term art? Art. Music is an art. Magic is an art. Painting is an art. Now define art. Art क्या है? वर्ड मीनिंग नहीं पूछा, कला नहीं मैंने पूछा, हिंदी में मीनिंग नहीं पूछा. डिफाइन आर्ट. हाँ वो तो हिंदी होगी ना, हमारा हिंदी मीडियम नहीं है. ओके, इन आर्ट वी हैव द क्रिएटिविटी डन. और एनीथिंग एल्स? अच्छा, और एनीथिंग एल्स? अगर मैं बोलूं आर्ट इज अ स्पेसिफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज Requiring a special skill, will you agree? Painting वही बंदा कर सकता है ना जिसका उसमें क्या है, interest है या उसने उसको सीखा है. एक ऐसा body of knowledge जिसमें आपको एक special skill की जरूरत पड़ती है वो क्या है, art है. तो क्या management एक art है? और art में क्या feature होते हैं? Like एक अच्छा musician वही है जो regular practice करता है, मतलब रियाज करता है music. Am I right? और अच्छा पेंटर भी धीरे धीरे जितनी ज्यादा वो पेंटिंग शो करेगा वो एक अच्छा पेंटर बन जाएगा. मींस आपको वहां पे प्रैक्टिस की जरूरत है. क्या मैनेजमेंट में भी मैनेजर्स को प्रैक्टिस की जरूरत है? यस, दे डू प्रैक्टिस डेली, दे डू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर एम्प्लॉइज, दे फाइंड द सोल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, दे डेली फेस सच टाइप ऑफ सिचुएशंस. तो जो आर्ट के मेन फीचर है वो मैनेजमेंट के भी फीचर बन जाते हैं. इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट. मिस्टर कटारिया लिसन टू मी केयरफुली. Science, what is the meaning of science? Physics is science, one example. ठीक है, chemistry is science, bio is science. क्या है science? It is a systematized body of knowledge. सारा कुछ logically based है, सब कुछ logic है. Management में भी तो logic है. जैसे science के principle है gravitation का law, ऊपर ball को या apple को फेंकोगे दोबारा नीचे ही आएगा. ठीक है, तो हमारे management के भी तो कुछ principles हैं. आप तो कर लिए unity of command. एक से ज्यादा बंदे अगर ऑर्डर करेंगे, बॉसेस ऑर्डर करेंगे एक एम्प्लॉय को, ही विल गेट कंफ्यूज्ड.
Division of work. Divide the work into smaller tasks and allot that task to the specialist person. The result will be effectiveness and efficiency. 14 के 14 principle हमें क्या सिखाते हैं? Be logical. अगर ये करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, अगर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करोगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। हाइड्रोजन के 2 यूनिट और ऑक्सीजन का 1 यूनिट मिलाओगे तभी वाटर बनेगा, अगर रिवर्स कर दोगे ऑक्सीजन के 2 यूनिट और हाइड्रोजन का 1 तो कुछ भी रिजल्ट नहीं होगा। साइंस भी तो हमें यही सिखाती है, तो मैनेजमेंट में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें यही सिखाया जाता है। हर चीज के पीछे हमें लॉजिक बताया जाता है। जिस तरह से साइंस के प्रिंसिपल्स हैं उसी तरह से मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स हैं, तो कुछ हद तक हम इसे क्या कह सकते हैं, साइंस। लेकिन ही ऑलवेज कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस। हाउ कम? बिकॉज इट कांट बी टेस्टेड इन द लेबोरेटरीज। लाइक ऑल फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की तरह हम इन्हें लेबोरेटरी में जाके कोई इसकी टेस्टिंग नहीं कर सकते। और मैनेजमेंट हमेशा हमारे ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई होती है, और ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना कोई आसान तरीका नहीं होता, इसलिए मैनेजमेंट को हम सोशल साइंस कहते हैं या फिर इमप्योर साइंस कहते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट कांट बी कॉल्ड द प्योर साइंस लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन? इट इज अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड और इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन फॉर विच यू नीड अ स्पेशल नॉलेज। लाइक डॉक्टर, MBBS की डिग्री है तभी आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। CA, आप CA के पेपर, लास्ट वाले पेपर दोगे, पूरा जितने भी उसके टर्म्स हैं उनको क्लियर करोगे तो आपके नाम के आगे CA लगेगा। लॉयर, एडवोकेट बनना है तो आपको LLB की डिग्री लेनी होगी। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैनेजर बनना है तो कौन सी डिग्री चाहिए? MBA की। जैसे बाकी सारे प्रोफेशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट है, तो हमारा भी तो एंट्रेंस टेस्ट है CAT का। You will clear that entrance test, you will get an admission in some reputed college or university, then only you will get a degree. पुराने जमाने चलेंगे कि अनपढ़ बंदा भी मैनेजर बन सकता था, अब बड़ी बड़ी कंपनी उसी बंदे को मैनेजर की पोस्ट देती हैं जिसके पास MBA की डिग्री है। So in that way we call it a profession, because nowadays the people, they are doing this degree or diploma in this field and they are getting the post of management. So with this regard we can conclude that yes, management is a profession as well. मेरा एक ही टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, वन इज कोऑर्डिनेशन एंड अदर इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट वी विल कंटिन्यू टुमारो एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट दैट।